नमस्कार जी और स्वागत है आप सभी का अल्फा आर्मी के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बग बाउंटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आपका बग बाउंटी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आपने बग बाउंटी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली इसे स्टार्ट कर पाओगे। आपको बिल्कुल एक पाथ मिल जाएगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपको किन यूट्यूबर्स को फॉलो करना है, किन बुक्स को पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है व्हाट इज बग बाउंटी। तो बग बाउंटी का जो अर्थ होता है वो इस वर्ड में ही छुपा है। तो जो वर्ड बग होता है, बग का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है ऐसे कोई सिस्टम में कमी या कोड में कोई ऐसी कमी जिसका यूज करके कोई अटैकर या कोई ब्लैक हैट हैकर उस कंपनी को हार्म कर पाए, उस कंपनी पे कोई इम्पैक्ट डाल दे, उसे हम बग कहते हैं। और उसके बाद जो वर्ड है बाउंटी, तो बाउंटी का मतलब होता है कोई रिवॉर्ड। तो इस चीज़ को आप अगले स्लाइड में बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो जो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है वो है हु इज़ अ बग हंटर। एक बग हंटर कौन होता है? तो बग हंटर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक इंसान, एक पर्सन जो किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट में टेस्टिंग करता है और अगर उसे उसमें कोई बग मिलता है, कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है और तो वो उसे उस कंपनी को रिपोर्ट कर देता है। तो कंपनी उसे बदले में मनी या स्वैग देती है एक्नोलेज करने के लिए उसे। तो मनी तो आप सभी को पता है। तो स्वैग का मतलब होता है कोई रिवॉर्ड जैसे कि शर्ट्स, मोबाइल फोन्स, गिफ्ट कार्ड्स या ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो कंपनियां देती है, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब आपको फ्री में मिल जाते हैं कंपनियों की तरफ से बग हंट करने के बदले में। तो जो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है वो है बग हंटिंग कैन बी डन इन मेनी वेज। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बग हंटिंग सिर्फ वेबसाइट्स पे होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेबसाइट के अलावा बग हंटिंग एप्लीकेशन पे भी होती है, मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, चाहे वो iOS एप्लीकेशन हो, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, ये सारे तरह की एप्लीकेशन पे होती है। और ये चाहे गेमिंग एप्लीकेशन भी हो क्योंकि उनमें भी कोड लिखा रहता है और उनमें भी वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। तो आप बिल्कुल अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि बग हंटिंग सिर्फ वेबसाइट पे होती है। तो चलिए इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है वो है रिक्वायरमेंट टू बिकम अ बग बाउंटी हंटर। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो है लर्न द बेसिक्स ऑफ हैकिंग बिकॉज यू कांट जंप डायरेक्टली टू बग बाउंटी विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ हैकिंग। तो इस पॉइंट का क्या मतलब निकलता है? तो इसका मतलब यह है कि आपको बेसिक्स ऑफ हैकिंग आना चाहिए, आपको बेसिक्स ऑफ लिनक्स मालूम होना चाहिए कि कैसे चीज़ें वर्क करती है लिनक्स में, कैसे टूल्स इंस्टॉल होते हैं, कैसे आप इन्हें यूज़ कर पाते हो, बेसिक जो कमांड्स होती है वो क्या होती है, क्योंकि आपको मोस्टली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करना है, क्योंकि जो मोस्टली टूल्स होते हैं वो सिर्फ लिनक्स पे वर्क करते हैं, विंडोज पे वर्क नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको लिनक्स का बिल्कुल नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज। तो बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज इसलिए है क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कैसे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, कैसे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। जैसे आप वेबसाइट्स में HTTP प्रोटोकॉल्स के साथ डील करोगे, अगर आपको कोई कोड मिलता है जो SMTP प्रोटोकॉल के लिए लिखा गया है तो आपको पता रहना चाहिए कि SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें मैं क्या वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जिसके बदले में मुझे बाउंटी मिल जाए। तो इसके लिए आपको बेसिक नेटवर्किंग आना चाहिए, आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो अगला है वो है बेसिक वेब डेवलपमेंट नॉलेज टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द वेबसाइट। तो बेसिक आपके पास वेब डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कोई वेबसाइट बनाना है, आपको इसलिए होना चाहिए ताकि आप जो है वेबसाइट्स के लॉजिक को अंडरस्टैंड कर पाए, उन्हें ब्रेक कर पाए, अपना खुद का लॉजिक लिख पाए। तो इसलिए आपको जो है बेसिक वेब डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। और बेसिक वेब डेवलपमेंट में भी आपको जावास्क्रिप्ट और PHP आना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके फ्यूचर में बग्स ढूंढने के लिए। आपको बहुत सारे बग्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे। अब जो चीज़ आती है वो है हैकर माइंडसेट। तो आपके पास एक हैकर का दिमाग होना चाहिए, आपके दिमाग में जो है एक हैकर के जैसे थॉट्स आना चाहिए। अगर आप 6-7 महीने हैकिंग में इंटरेस्ट लोगे, आप सीखोगे नई चीज़ें, तो आपके पास बिल्कुल वो माइंडसेट डेवलप हो जाएगा 100%। तब आप
अपने हिसाब से सोच पाओगे कि कहाँ कौन सी वल्नरेबिलिटी आप टेस्ट कर सकते हो, कहाँ कौन सा आप पेलोड यूज कर सकते हो। तो ये सारा माइंडसेट आपके पास होना चाहिए अगर आप बग हंटिंग में आते हो। तो इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट निकल जाता है वो है वेयर कैन यू स्टार्ट लर्निंग बग हंटिंग। तो आप कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो बग हंटिंग, कहाँ से आप ये सारे स्किल्स सीख सकते हो। तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बुक्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। तो हमने अभी तक इतना सारा जान लिया बग हंटिंग के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप इसमें फ्यूचर बना सकते हो तो आप बिल्कुल इसके आगे का सारा पार्ट देख सकते हो, या तो फिर आप वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हो। तो सबसे पहले जो आप पॉइंट है हमारे लिए वो है स्टार्ट रीडिंग बुक्स। तो ये जो सारी बुक्स है ये सारी मैंने खुद पढ़ी है और ये बहुत अच्छी बुक्स है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके बग हंटिंग फ्यूचर में। तो सबसे पहले जो बुक है वो है वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। तो ये बहुत बड़ी बुक है, कम से कम 700 कुछ पेज है इसमें। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, अगर आप इसको पूरी पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज आ जाएगी, आप सीख जाओगे। पर मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ पाओगे क्योंकि मैंने भी इसको बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी है। आप इसको एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, जैसे आपको कभी प्रॉब्लम आती है कोई बग के बारे में पढ़ना है तो आप उस बुक में जाके उस पर्टिकुलर बग के बारे में पढ़ सकते हो और आपको वहाँ बहुत अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारी अगली बुक निकल के आती है वो है वेब हैकिंग 101। तो आप जैसे ही हैकर वन नाम के जो क्राउडसोर्स बग हंटिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर रजिस्टर करते हो तो ये बुक आपको मेल में आ जाएंगी, मतलब बुक नहीं आएंगी, इसको बाय करने के लिए लिंक आ जाएगा। तो आप उसको वहाँ से खरीद सकते हैं या तो फिर डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसे बाय कर सकते हैं। बाकी आपके हाथ में, आप उसे बाय करोगे आपको ये जुगाड़ लगा के उसे फ्री मिलोगे। तो इसको छोड़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, अगली बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली बुक है, तो जो हमारी अगली बुक है वो है द हैकर्स प्लेबुक 1-3 तक। तो ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं या ज़्यादातर जो बग हंटर्स होते हैं जो आपको सजेशन देते हैं तो वो आपको ये बुक सजेशन में देंगे, पर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देंगे। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा है तो ये बहुत बेसिक्स ऑफ हैकिंग है। इसमें अगर आपको बेसिक ऑफ हैकिंग नहीं आता है तो आप पहला पार्ट भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में हैकिंग और जो बग हंटिंग है वो दोनों कवर किया है। आपको बेसिक्स ऑफ हैकिंग भी आ जाएगा और आपको जो स्किल्स चाहिए एक बेसिक हैकिंग के लिए वो सारी भी आ जाएगी। तो इन बुक्स को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, द हैकर्स प्लेबुक 1-3 तक, तीनों पार्ट। तो उसके बाद जो अगला जो बुक है हमारी, जो अगली बुक है वो है द मोबाइल एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना चाहते हो। मोबाइल जो हमारी अगली बुक निकल के आती है वो है द मोबाइल एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन बग हंटिंग में जाना चाहते हैं। तो इस बुक में आपको बहुत सारा बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। तो ये बुक आपको मैं बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बग हंटिंग में जाना चाहते हो। तो अभी तक के लिए मैं आपको इतनी बुक रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आप बिगिनर हो तो। और भी बुक्स आप इंटरनेट पर फाइंड कर पाओगे, जैसे जैसे आप कम्युनिटी में आगे पढ़ोगे, आप राइटअप्स पढ़ोगे, आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। पर बिगिनर लेवल पे आप 4 बुक्स पढ़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है वो है यूट्यूब चैनल टू लर्न बग हंटिंग। तो मैंने आपको बुक्स बता दी है, अब अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना है तो आप इन यूट्यूब प्लेलिस्ट और चैनल्स को देख सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लेलिस्ट है वो है बिटन टेक यूट्यूब चैनल के तरफ से, जिनको आप सब जानते होंगे। अगर आप हैकिंग कम्युनिटी में हो, यूट्यूब के आप चैनल को फॉलो करते हो तो आपको बिटन टेक पता होगा। तो इनके चैनल पे बग बाउंटी नाम की प्लेलिस्ट है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद जो अगला चैनल है वो है फराहवा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। उसके बाद जो चैनल है वो है हैकिंग सिंप्लीफाइड। तो ये चैनल भी बहुत अच्छा चैनल है, आप यहाँ पे जाके बेसिक्स सीख सकते हो। इनकी एक प्लेलिस्ट है बीइंग अ हैकर या ऐसा कुछ नाम है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इनके पूरे चैनल पे बग बाउंटी से रिलेटेड कंटेंट भरा है तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो चैनल है वो है हैक्टिफाई साइबर सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत अच्छा चैनल है। यहाँ पे आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड, बग बाउंटी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को बिल्कुल देखिए।
उसके बाद जो चैनल है वो है लाइव ओवरफ्लो चैनल। ये भी बहुत अच्छा चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो ये जितने चैनल मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ हिंदी है कुछ इंग्लिश है, तो आप उनके चैनल पे जाके उनके चैनल पे आपको जाके देख पाओगे कौन हिंदी है कौन इंग्लिश है। तो जो चैनल है वो है लाइव ओवरफ्लो, तो ये चैनल भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप बग हंटिंग में जाते हो या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाते हो तो इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो चैनल है वो मूसब खान नाम से चैनल है, तो इस चैनल पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा बग हंटिंग से रिलेटेड। ये चैनल पूरा बग हंटिंग से रिलेटेड कंटेंट पे भरा है, तो आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करने वाले हो, ये तो मेरे को पता है। उसके बाद जो है नाम सेक, तो इस चैनल का क्या कहना, मतलब आप अगर बग हंटिंग कम्युनिटी में जाओगे तो आप इस चैनल को 100% सब्सक्राइब करोगे और इनके बारे में बहुत सुनने को मिलने वाला है आपको फ्यूचर में, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना इनको और ट्विटर पर फॉलो कर लेना। उसके बाद जो अगला चैनल है वो है PWN फंक्शन या पॉन फंक्शन। ये चैनल पे आपको जो वल्नरेबिलिटीज है बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से भी, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद जो अगला चैनल है वो है स्टॉक, तो इनका चैनल आप खुद ही देख लो आपको क्या इन्फॉर्मेटिव नहीं लगता, ऐसा कुछ शायद मिल जाए आपको जो इन्फॉर्मेटिव नहीं हो, तो अगर आपको कुछ मिलता है तो कमेंट में बता देना, और नहीं तो आप इनको डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लेना, आप खुद जाके चैनल चेक कर लो। तो इसके बाद जो अगली प्लेलिस्ट है वो है वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीरीज या वेबसाइट पेन टेस्टिंग सीरीज टेक्सचिप यूट्यूब चैनल के द्वारा, तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेगी, आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में पता चलेगा, वो इसको आपको बिल्कुल देखना चाहिए, इसको मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बिल्कुल, मैंने भी देखी है ये। उसके बाद जो अगली प्लेलिस्ट है वो है बग हंटिंग प्लेलिस्ट टेक्निकल नेविगेटर के द्वारा, जो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप बिगनर लेवल पे हो, आपको बर्ब सूट के बारे में पता चलेगा, आप बर्ब सूट के बेसिक सीख जाओगे इनके चैनल से इनकी प्लेलिस्ट से, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जो एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले हैं उनके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और भी चैनल्स और भी वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका जाके आप देख सकते हो, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो जो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है वो है पीपल टू फॉलो बग हंटिंग कम्युनिटी। तो अगर आप ट्विटर पे हो या नहीं हो तो आप आ जाइए, आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हो, आपको इनके चैनल पे आपको बहुत सारा इनके ट्विटर हैंडल्स पे आपको बहुत सारे नॉलेजेबल ट्वीट्स मिल जाएंगे या रिट्वीट मिल जाएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे, आपको बहुत सारे टूल से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएगा, जैसे कि एमास जो टूल है उसका ऑफिशियल जो है ट्विटर हैंडल है, तो वहाँ पे आप जाके उनके अपडेट्स देख सकते हो, प्रोजेक्ट डिस्कवरी का ऑफिशियल हैंडल है, तो वहाँ जाके आप उन टूल्स के अपडेट्स चेक कर सकते हो, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके ट्विटर हैंडल्स का लिंक दे रखा हूँ, तो आप वहाँ से जाके क्लिक करके इन्हें फॉलो कर सकते हो। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहाँ की प्रोफाइल का एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, इसलिए चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट निकल के आता है वो है कॉन्फ्रेंसेस टू वॉच फॉर बग बाउंटीज, तो आप इन कॉन्फ्रेंसेस को देख सकते हो। कॉन्फ्रेंसेस मतलब कुछ लोग बैठेंगे, मतलब कुछ लोग होंगे वो आपको ज्ञान देंगे, आपको मतलब वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वहाँ पर फ्री में, तो ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस है जो आपको देखना चाहिए। तो वो नाम कौन आता है सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा आपके काम आएगा वो है नाम कौन, तो आप नाम से के यूट्यूब चैनल या ट्विच पे उनको जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको नाम कौन मिल जाएगा, और जो नया नाम कौन आने वाला है वो शायद आ जाएगा अगर आप वीडियो देख रहे हो या आने वाला होगा, तो आप उसे देख सकते हो उनके चैनल जाके या ट्विच पे उन्हें फॉलो करके। उसके बाद जो अगला पॉइंट अगला जो कॉन्फ्रेंस है वो है आरपोन ERPCon या जो भी नाम है इसका, तो ये इंडियन बग हंट इंडियन यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स हैं अपने इंडिया के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनमें जैसे कि विटन टेक या टेक्निकल नेविगेटर या और भी जो चैनल्स हैं प्रतीक दाबी या बाकी चैनल्स हैं, वो सब मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसको आपको बिल्कुल देखना चाहिए। आपको मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, हो जाएगा तो आपको इनके चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। उसके बाद जो अगला कॉन्फ्रेंस है वो है डेफकॉन, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे लाइव हैकर्स आते हैं, मतलब स्टेज रहता है वहाँ पे, वो लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं, तो डेफकॉन आप बिल्कुल देख सकते हो, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डेफकॉन का भी,
क्योंकि डेफकॉन एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। अगर आप इसके वीडियोस देखोगे, आप इनके चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो यही था कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है जो बग बाउंटी के बारे में जानना चाहता है या सीखना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट में उस सजेशन को दे सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं हिंदी में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कवर करेंगे पूरा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अगले वीडियो में कंपेयरिंग भी करेंगे हम बग बाउंटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।